इस स्थान पर मायावी भगवान गोरखनाथ जी की इस मंदिर और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। मैं सबसे पहले योगी महासभा की ओर से और आप सभी संतों भक्तों की ओर से महंत नरहरिनाथ जी महाराज का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने भगवान गोरखनाथ जी की इस मूर्ति की स्थापना और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। मैं साथ ही साथ यहाँ पर अपने योगी महासभा के ही उपाध्यक्ष श्रीमान बालकनाथ जी महाराज और महामंत्री महंत चेताई नाथ जी महाराज, जिन लोगों ने बड़ी तन्मयता के साथ इस संपूर्ण आयोजन को यहाँ पर आयोजित करने में अपना योगदान दिया है, महंत शेरनाथ जी महाराज और हमारे नाथ संप्रदाय के सभी योगेश्वरों को, प्रदर्शन संप्रदाय के सभी संतों को, जिन्होंने आज इस आयोजन में उपस्थित होकर के इस आयोजन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह देवभूमि है और देवभूमि के प्रति हम सब का भाव और हम सब की भावनाएं भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। जब महायोगी भगवान गोरखनाथ जी की बात करते हैं तो एक अजर अमरकाय योगी हैं, हर देश हर काल हर परिस्थिति में साधक और भक्त की भावना और उसकी साधना के अनुरूप वे अपना दर्शन देते हैं और अपने भक्तों को किरदार भी करते हैं। उत्तराखंड में तो अनेक ऐसे स्थल हैं जहां पर नाथ संप्रदाय के सिद्धों योगियों और इस प्रकार की परंपरा का बड़ा आशीर्वाद रहा है। आप जब बद्रीनाथ में जाते हैं, हमारे नाथ संप्रदाय के एक बहुत सिद्ध योगी सुंदरनाथ जी का चित्र बद्रीनाथ मंदिर में ही स्थित है, बहुत सिद्ध योगी हुए हैं। ऐसे ही आप अलग अलग उसमें जाएंगे, मैं एक बार उत्तरकाशी से टिहरी आ रहा था, टिहरी से मुझे केदारनाथ की तरफ जाना था, मैंने जंगल का रास्ता लिया, मुझे ऊपर जंगल में एक स्थान देखने को मिला चौरंगी खान। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि मैं रुका वहां पर, वहां रुकने के बाद मैंने लोगों से पूछा सामने मंदिर किसका है, लोगों ने कहा कि बाबा का है। मैंने कहा कौन बाबा का है, तो उन्होंने कहा कोई नाथ बाबा है। मैं वहां गया तो मैंने मूर्ति देखी तो मैंने कहा तो चौरंगीनाथ जी का, गोरखनाथ जी के ही शिष्य परंपरा में नाथ संप्रदाय की परंपरा के बहुत सिद्ध योगी थे चौरंगीनाथ जी, उनका मंदिर था। लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग इस मंदिर में पूजा करते हैं, जो भी उनके खेतों में अन्न होता है वही चढ़ाते हैं और इस क्षेत्र में एक तो बीमारी नहीं होती है बाबा की कृपा से, दूसरा जंगली जानवर न मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं न उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कितना बड़ा विश्वास लोगों के मन में आज भी उस क्षेत्र में देखने को मिलता है और ये स्थिति पूरे उत्तराखंड के अंदर हर स्तर पर हर स्थानों पर ये इस प्रकार का एक चमत्कार, इस प्रकार की स्थितियां और इस प्रकार का आशीर्वाद इन संतों इन योगियों इन सिद्धों से यहां पर प्राप्त होता रहा है। मैं आज जब सुबह लखनऊ से चला तो मुझे वहां पर बताया गया कि देहरादून में मौसम खराब होने का मतलब देहरादून में अगर आपका जहाज उतरेगा नहीं तो फिर आसपास उतरने की जगह नहीं, नजदीक या तो दिल्ली है या फिर आप मेरठ में उतरिए तो फिर वहां से आप बाई रोड आ भी नहीं सकते।
मैंने कहा चलिए एक बार चलें देखते हैं। मैं देहरादून में आया, जैसे माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बताया कि 10 मिनट हमारा जहाज ऊपर घूमता रहा, उसके बाद जब जहाज वहां पर मौसम कुछ बूंदे गिरने के बाद फिर मौसम साफ हुआ, हम लोग उतरे, बहुत सुहावना मौसम था। वैसे भी आप सब सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर भारत में इस समय बहुत कड़ाके की गर्मी भी पड़ रही है, बहुत सारी जगह लोग सूखे को झेल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड इस सुहावने मौसम का आनंद भी ले रहा है और समय समय पर बारिश भी हो रही है, यह एक अच्छी स्थिति है। मुझे लगता है कि हम सब के लिए अवसर है, एक उत्तराखंड से मेरा भावनात्मक लगाव दोनों कारणों से है, एक यहाँ पर मेरी जन्मभूमि भी है, दूसरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच पिछले 17-18 वर्षों से कुछ विवाद चले आ रहे हैं और मैंने त्रिवेंद्र जी से कहा, शुरू दिन से उनकी रुचि है कि विवाद किसी प्रकार से समाप्त हो, और मैंने भी इस बात को कहा है कि इन विवादों का समाधान हो जाना चाहिए, अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जमीन संबंधी कोई भी विवाद न रहे, भूमि संबंधी कोई विवाद अब नहीं रहने चाहिए, हम बैठ करके इसका समाधान करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है एक सकारात्मक माहौल में बातचीत आगे बढ़ी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन सभी समस्याओं का समाधान मिल बैठ करके करेगा और हम एक नई दिशा में यहाँ के मुख्यमंत्री के सकारात्मक रवैये के कारण आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड ने उत्तर भारत को दुनिया का सबसे उपजाऊ और सबसे समृद्ध क्षेत्र बनाया है। दुनिया का जो सबसे समृद्ध क्षेत्र उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ के हर पहाड़ की चोटी पर किसी न किसी एक देवता का निवास होता है, लेकिन इसी उत्तराखंड से निकलने वाली पवित्र गंगा मैया और यमुना मैया के कारण अगर उत्तर भारत आज देश का सबसे जो उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि की दृष्टि से सबसे जो फर्टाइल लैंड यहाँ की है, तो वह उत्तराखंड से निकलने वाली पवित्र गंगा और यमुना मैया के कारण ही है। मुझे लगता है उत्तराखंड को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, पूरा देश यहाँ पर आता है बद्रीनाथ जी का दर्शन करने, केदारनाथ जी का दर्शन करने, गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए आता है, ऋषिकेश हरिद्वार और आसपास के अन्य क्षेत्रों में दर्शन करने के लिए आता है, हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए जाता है, तो पूरा देश और दुनिया जब भारत की तरफ देखती है तो उसे उत्तराखंड के चार धाम भी याद आते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारतीय समुदाय रहता है, उसकी एक बार इच्छा होती है कि मैं हरिद्वार जरूर जाऊं, उसकी एक बार इच्छा होती है कि अगर उसको अवसर मिले तो बद्रीनाथ जी का दर्शन करें, केदारनाथ जी का दर्शन करें, गंगोत्री और यमुनोत्री में जाकर के दर्शन करें, और उसकी इच्छा होती है कि जीवन में एक बार जहां कहीं भी अवसर मिले तो गंगा मैया में डुबकी लगा करके जन्म जन्मांतर के पापों को भी धोलो, यानी एक अद्भुत अवसर होता है। और ये गंगा जी हो या यमुना जी, ये दोनों जो पवित्र जो नदियां हैं, यह देश और दुनिया को उत्तराखंड ने दिया है, उत्तराखंड दे रहा है, उत्तर भारत को देश और दुनिया का सबसे उर्वर क्षेत्र भी उत्तराखंड के कारण बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि जब सभी दैवीय शक्तियों की कृपा है तो हम सबको उत्तराखंड को देश और दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे समृद्ध, आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि भी विकास की बुलंदियों तक पहुंचाने में आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए उसी दिशा में एक
नया प्रयास प्रारंभ की है। आज उत्तराखंड देश के अंदर एक नए आध्यात्मिक और भौतिक ऊर्जा से ओतप्रोत एक नए राज्य के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ना एक अच्छी शुरुआत है। शासन की पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, शासन में निर्णय लेने की क्षमता किस रूप में होनी चाहिए और कैसे हम शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए तक पहुंचा सके। मुझे लगता है अच्छे शासक का एक गुण होता है और मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, महसूस करता हूं कि उत्तराखंड के लिए उस प्रकार की नीतियों को लेकर के, उस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के, पहाड़ के पलायन के मुद्दे को लेकर के, यहां की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो, इतनी सहजता के साथ, सरलता के साथ, लोगों के साथ सीधे संवाद स्थापित करते हुए विकास की योजनाओं को सुदूर गांवों तक पहुंचाने के लिए दुर्गम क्षेत्र है, सरकार की अपनी सीमित संसाधन है, लेकिन उस सब के बावजूद एक अच्छी एक सत्संकल्प के साथ, अच्छी नियत के साथ आगे बढ़ते हुए जिस द्रुत गति से आज उत्तराखंड की सरकार कार्य कर रही है, यह अभिनंदनीय है, यह स्वागत योग्य है। तो ऋषिकेश में